ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड ग्रेट। दिस इज योर केमिस्ट्री आईटीजेई एजुकेटर विपुल बग्गा। और यार, जब आप जोसा की काउंसलिंग के लिए जाते हो तो एक बहुत ही मेजर कॉमन डाउट आता है कि भैया फीस कैसे देनी होती है जोसा में, और जो हम सीट एक्सेप्टेंस फी देते हैं वो क्या पूरा जोसा रख लेती है कि कॉलेज में एडजस्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको 1500 रुपीज देना होता है जोसा के रजिस्ट्रेशन के लिए। ये 1500 यार मैं पिछले एक दो साल से जो काउंसलिंग देख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग है, हो सकता है इस बार चेंज आ जाए, बट जनरली 1500 जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। और ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि सभी को देनी होती है। एससी एसटी के लिए शायद कम होती है, बट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1500 जो होती है रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद राउंड 1 to 6 में अगर आपको किसी भी राउंड में एक सीट मिलती है और अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट करते हो तो आपको 35,000 रुपीज देना पड़ता है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को देना पड़ता है 15,000 रुपीज। तो 35,000 रुपीज और 15,000 रुपीज अकॉर्डिंगली आपकी कैटेगरी के वाइज आपको देना है। और जब आप फाइनल अपनी काउंसलिंग खत्म कर लोगे और उस कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे तो ये फीस आपकी वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपकी कॉलेज की फीस, फॉर सपोज आपने 35,000 जमा किया सीट एक्सेप्टेंस फी और आप कॉलेज गए, आपकी कॉलेज की फीस 50,000 है, तो आपको 15,000 बस और देना पड़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा बस इतना देना पड़ा। अगर आपने 35,000 सीट एक्सेप्टेंस फी दी थी लेकिन आपके कॉलेज की फीस केवल 15,000 है, कुछ हमारा वो लग के, ठीक है, तो आपको बाकी का जो 20,000 है वो रिफंड मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो जो आप सीट एक्सेप्टेंस फी दोगे वो बिल्कुल कॉलेज के साथ एडजस्ट हो जाएगी, और जो रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा आपको 1500 वो नॉन रिफंडेबल होने वाली है। आई होप जिनका जिनका डाउट था उनको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सीसैब में कैसा होता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।